दिल में चला खाने गया मैं हो या फिर दा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा मैं ता तेनू इन्ना मन जाऊ सोनी का तू सताउनी खुशियां मैं लुटा जल्दी से कर दे साइन क्यों नहीं मैं थोड़ी ना बीच में से जॉब छोड़ के जा रही हूँ ये लो हो गया तो तुम जा सकती हो और कल टाइम पर आना थैंक यू सो मच सर कल मैं टाइम पर आऊंगी कांग्रेचुलेशंस ताए कांग्रेचुलेशंस तो ठीक है पर तुम्हारा झूठ थोड़ा घड़ा नहीं हो गया मैडम घड़ा नहीं बड़ा होता है वो जो भी होता होता है पर तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था तुम सबको तो पता ही है ना डैड की वजह से मुझे कहीं जॉब नहीं मिलती और थोड़ा सा बोल लिया तो क्या हो गया कौन सा वो डैड से मिलने वाले हैं उनको कुछ बताने वाले हैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुमने अपनी मम्मी डैडी के बारे में ऐसा कहा वो तुमसे कितना प्यार करते हैं तुम इतनी टूटी कैसे हो सकती हो आई थिंक तुम झूठी कहना चाहती हो है ना हाँ वही तुम इतना झूठी कैसे हो सकती हो सॉरी अब से झूठ नहीं बोलूंगी और झूठ कभी बोलना भी नहीं चाहिए ताए जिमिन को क्या हो गया आज इसने खाना नहीं खाया क्या इसे नींद नहीं आ रही पता नहीं आज वो खोई खोई सी लग रही है हाँ आज तो उसने मुझसे ढंग से बात भी नहीं की जिमिन क्या हुआ तुम्हें कहाँ खोई हुई हो हाँ क्या तुम लोग आ गए ओहो जिमिन कहाँ खोई हुई हो किसके ख्यालों में अपने प्रिंस के बारे में सोच रही हो क्या मुझे लगता जिमिन को किसी से प्यार हो गया है ना बस करो तुम दोनों कितना सोचती हो तुम्हें लगता है कि मैं किसी से प्यार कर सकती हूँ या फिर कोई और मुझसे प्यार कर सकता है किसी और का तो पता नहीं पर शायद तुम किसी से प्यार करने लगी हो क्योंकि अक्सर लोग प्यार में ही इस तरह बम हो जाते हैं बम नहीं गुम हाँ वही मेरी जज्बातों को समझा करो ओ ये हंस रही है इसका मतलब इसे सच में प्यार हो गया है कौन है वो तुम्हारे साथ डांस करता है या फिर हमारे क्लास में या फिर इस कॉलेज में बोलो ना बस ये करो तुम सब कल कॉलेज के लिए लेट होना है क्या चलो चल के सो जाते हैं अब फिर वो चारों जाके सो जाती हैं सर मैं आ गई अच्छी बात है सर ऐसा बहुत कम होता है कि मैं सही जगह पर सही समय पर पहुंच जाऊं मुझे इस तरह के बकवास जोक बिल्कुल पसंद नहीं है ये जोक नहीं है जो सच है वही बता रही हूँ ये सब छोड़िए और बताइए आज मैं कैसी लग रही हूँ यहाँ ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा है फालतू के बकवास करना बंद करो एक्सक्यूज मी सर आपने बुलाया हाँ ये ताए हैं आज से न्यू ज्वाइन हुई हैं इनको सारा काम बता दो और सब कुछ सिखा दो ओ, तो आप मुझे काम के बारे में सिखाओगे मुझे तो लगा ये गुगु सिखाने वाले हैं। बहुत अच्छा तुम ही सिखाओ मुझे तो लगता है हम दोनों की खूब जमेगी जी जी बिल्कुल आप मेरे साथ चलिए जरा बताओगे तुमने गुगु किसे कहा अरे सर चिंता मत करिए आपको तो गुगु ने कहा ओके तो आप मेरे साथ चलिए सर मैं इनको पूरा ऑफिस घुमा देती हूँ ताकि सब कुछ जान ले ओके सर अरे वाह ऑफिस घूमे क्या अरे वाह मुझे तो बहुत मजा आएगा कहीं नहीं घूमना जितनी जल्दी हो सके इसे काम सिखा दो जी सर कितनी बुरी है ये ताए चलो मेरे साथ ये लड़की कौन है और ये किसके साथ घूम रहा है जब मैं अपने नोट्स कंप्लीट कर लूँ तब तुम ले सकती हो थैंक यू सो मच शुगा पहले तुम कंप्लीट कर लो फिर मैं कर लूंगी हाँ आखिर ये दोनों क्या बात कर रहे हैं मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है आखिर ये चुड़ैल है कौन उसके साथ अरे बाप रे दुनियारी भाग ली जिमिन उसकी फ्रेंड है क्या या फिर गर्लफ्रेंड हाँ क्या हुआ रुक क्यों गई तुम मुझे लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है इसीलिए बस
पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। कुछ नहीं, चलो चलो लाइब्रेरी चलते हैं। लाइब्रेरी जा रहे हैं, मैं पता लगा के रहूंगी कि लड़की है कौन। फिर जमीन पे शुका का पीछा करते करते लाइब्रेरी चली जाती है। आखिर ये कौन है? गर्लफ्रेंड है क्या उसकी? किसे देख रही हो तुम? उस लड़के को और उस लड़की को? तुम क्या उनका पीछा कर रही हो? क्या कर रही थी तुम? चुपके चुपके मेरे फ्रेंड को देख रही थी? अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं क्या तुम्हारे फ्रेंड को देखूंगी? मैं तो बस यहाँ बुक पढ़ने आई थी। झूठ मत बोलो, तुम उसी को देख रही थी। अच्छा ये बताओ, क्या वो उसकी फ्रेंड है? देखने से तो दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड लग रहे हैं। बकवास बंद करो और ये पता करो कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। रुको अभी पता करता हूँ कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। फोटो क्लिक कर लो। हाँ मुझे तो नहीं लगता कुछ और है। पढ़ाई कर रहे हैं दोनों साथ में? क्या सच में पढ़ रहे हैं? अरे विश्वास नहीं हो रहा तो कैमरे में देख लो। ये देखो वो सच में पढ़ रहे हैं साथ में। ओ तो क्या वो क्लास में तुम्हारी? हाँ वो हमारी क्लास में ही है और सुबह उसकी पढ़ाई में हेल्प भी करता है। हाँ एडिट कहीं के जासूसी कर रहे हो हमारी? फोटोज डिलीट करो अभी। तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गया। रुको कहाँ जा रहे हो तुम? मैं फंस गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा पीछा कर रही थी तुम? नहीं तो तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे गई थी? मैं तो यहाँ पढ़ने आई थी। और अब जा रही हूँ, बाय। रुको कहाँ जा रही हो? हाँ ये बताओ पीछा क्यों कर रही थी? और हमारी फोटोज के लिए मुझसे क्या पूछ रहा? अपने फ्रेंड से जाके पूछो, उसने लिए है। दोबारा मेरे आगे पीछे मंडराना भी मत। इतना कहकर शुगा वहाँ से चला जाता है। ताई एक और फाइल है, इसे कंप्लीट कर देना। ओके आज मुझे इतना सारा काम मिल रहा है, पहले दिन ही ये भी करना। ओके इसे जल्दी कंप्लीट कर दो। ओ ओके आज मेरा फर्स्ट डे और इतना सारा काम। मैं तो थक गई, इतना सारा कैसे करूंगी। फाइनली काम तो कंप्लीट हुआ। ता तुमने शायद फाइल में गड़बड़ की है, इसलिए सर बुला रहे तुम्हें। मेरा काम ऑलरेडी खत्म है, मैं आ रही हूँ अभी। ओके जल्दी जाना। ओके थैंक यू सो मच, मैं अभी जाती हूँ। फिर ताय वहाँ से जंकू के कैबिन में जाती है। सर आपने मुझे बुलाया था? हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था। क्या हुआ सर, मुझसे कोई गड़बड़ हो गई क्या? बहुत अच्छे, तुम काफी जल्दी काम करती हो। क्या जल्दी सर, मैं थक गई, मुझे बहुत प्यास लग रही है। रुको ये मेरा पानी है, बाहर जाके पी लो। क्या बाहर जाके पी लूं? क्या सर आप भी पानी पे नाम थोड़ा लिखा है किसी का? पर मेरा नाम लिखा है जियांग जंगकुक और तुम ये पानी नहीं पी सकते, एक बार कह दिया ना। सर मुझे प्यास लग रही है, पानी छोड़ो मुझे पीना है। ठीक है लो पी लो। गुड आप भी ना बच्चों की तरह लड़ते हो। एक बात बोल दूं तो वो पानी मैंने पिया था, वो मेरा झूठा था। मैंने वो पानी पहले पी लिया था। हाँ, मैंने झूठा पानी पी लिया। छी, कितना गंदा है। आपने मुझे झूठा पानी पिला दिया, मुझे उल्टी आ रही है। आ, संभल के। दिल कहे कि आज तो छुपा लो तुम, पनाहों में के डर है तुमको खो दूंगा। दिल कहे आप, मैंने तो पहले मना किया था, आपकी वजह से मुझे झूठा पानी पीना पड़ा, मेरे ऊपर से हटो। फिर जंको करता है दोनों खड़े होते हैं। आप बहुत ही बुरे इंसान हो, एक नंबर के नकचड़े। तुम्हें पता है ना तुम किसको बोल रही हो? आपको तो ऐसे ही बोलना चाहिए, खुद भी गिरे और मुझे भी लेकर गिर गए। इतना कहकर ताय वहाँ से चली जाती है। गलती खुद की थी, बोल के मुझे गई है। वाह ये लड़की मेरी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, है ना? ये कितनी ब्यूटीफुल है। ये मेरे बच्चे के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, है ना? देखो इसे। जी मैडम ये बहुत सुंदर है। ग्रैंडमा आप क्या कर रही हैं? चंकुक बेटा तुम्हारे लिए मैंने लड़की पसंद की है, ये देखो ये कितनी सुंदर है। ग्रैंडमा ये सुंदर है, इसके नाक देखिए कौवे जैसी। बेटा ऐसे क्यों बोल रहे हो, कितनी सुंदर तो है। ग्रैंडमा आप ये सब क्यों कर रही हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अब तुम्हारे लिए लड़की हमें ढूंढनी पड़ेगी, तुम खुद तो ढूंढोगे नहीं। मैं आप ही की पसंद की लड़की से शादी करूंगा। हाँ इसका मतलब तुमने शादी के लिए हाँ कर दी, अब मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छी लड़की ढूंढूंगी।
देखो क्लास खत्म हो चुकी है, मैं हॉस्टल जा रही हूँ, तैयार होके मुझे ऑफिस भी जाना है। ओके ओके ताय बाय, ध्यान से जाना। हाँ अगर मैं लेट पहुँची ना तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। अगर तुम लेट नहीं होना चाहती अभी चली जाओ, अभी तो तुम्हें तैयार भी होना है। ओके बाय, मैं भी लैब जा रही हूँ। बाय ताय। फिर वहाँ से सब लोग चले जाते हैं। बहुत लेट हो रहा है, मैं तैयार नहीं हो पाऊंगी, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, वहाँ जाके कपड़े चेंज कर लूंगी। हाँ मैंने तो नहाया भी नहीं, एक काम करती हूँ परफ्यूम लगा लेती हूँ, किसी को क्या पता चल रहा है कि मैंने नहाया या फिर नहीं। चलो ताय वरना लेट हो जाऊंगी, कहीं आज मुझे डांट ना पड़े। फिर ताय वहाँ से अपने ऑफिस पहुँचती है। मुझे लगता है अभी तक सर नहीं आया, अच्छी बात है मैं जल्दी पहुंच गई। आज मुझे पता चल गया डैड कितनी मेहनत करते होंगे, काम करने के लिए बहुत ज्यादा स्टैमिना चाहिए। पूछना चाहिए कि तुम यहाँ मेंस टॉयलेट में क्या कर रही हो? देखो सर मैं करी मत आना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिमाग खेल गया क्या तुम्हारा? देखो आप इधर मत देखो, प्लीज इधर मत देखो। देखो सर आपकी हिम्मत कैसे हुई लेडीज वॉशरूम में इस तरह घुसने की? हाँ शर्म नहीं आती? मैंने गलत जगह तुम घुसी हुई हो, ये मेंस वॉशरूम है। आप झूठ मत बोलो, ये लेडीज वॉशरूम है। कहीं मैं सच में मेंस वॉशरूम में तो नहीं? यकीन हुआ तुम्हें? तुम गलत वॉशरूम में घुसी हो, जाओ यहाँ से। जा रही हूँ सर, सॉरी। मुझे शर्म आ रही है बहुत, सॉरी सर, गलती से हो गया। भाग लेता हूँ यहाँ से, भागो। इसके अंदर सच में दिमाग नहीं है। ओह माय गॉड, हाँ, ये लेडीज वॉशरूम है। चलो जल्दी अंदर, कहीं मेरी इस हरकत के बाद सर मुझे ऑफिस से ना निकाल दे। कितनी बड़ी बेवकूफ है वो। ये लॉकर शायद उसी का है। जिन मेरी बात सुनो, जिन मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। सो सॉरी प्रोफेसर, मैं कुछ सोच रही थी। प्रोफेसर देखा आपने किस तरह सीनियर आपकी बातों को इग्नोर करती है? प्रोफेसर मुझे तो लगता है आज के लिए पढ़ती नहीं है, घूमती रहती है। देखो आज के लिए इनका ध्यान भी नहीं रहता। तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? घूमना फिरना तो अच्छा होता है सेहत के लिए। जिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ सर, मैं क्या जाऊँ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो जाओ आराम करो। देखो प्रोफेसर मैंने कहा था इनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये हमको भी इन्फेक्ट कर देंगी। आप जाइए जल्दी यहाँ से सीनियर। हाँ मैं जा रही हूँ, बाय प्रोफेसर। जिन ठीक तो है ना, उसकी तबीयत खराब थी। प्रोफेसर वो इन्फेक्टेड है, उन्हें जाने दीजिए आप। चलिए मुझे ये बताइए। मुझे तो लगता है वो बात प्रोफेसर भूल गए, पर मैं भूल नहीं पा रही हूँ। यहाँ शनाई कैंटीन में होते है तभी उसके पास जे हो पाता है। तुम हमेशा कैंटीन में रहती हो क्या? और तुम यहाँ कैंटीन में घास चढ़ने आते हो क्या? घास चढ़ने का तो पता नहीं, पर खाना चबाने जरूर आता हूँ। फालतू की बातें बंद करो, और तुम यहाँ क्यों आते हो मेरे पास? हाँ कहीं और जगह नहीं मिलती तुम्हें बैठने की? वो क्या है ना, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर अच्छा लगता है, हंसी आती है। क्योंकि बिना दिमाग वाले लोगों के पास बैठेंगे तो बददिमागों वाली बातों से तो हंसी आएगी ना। तुमने मुझे बददिमाग कहा? कैसे? देखो तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, वरना तुम समझ नहीं जाती कि आदमी मुँह से बोलता है, नाक से थोड़ा ना बोलूंगा मैं। तुम्हें नहीं पता मेरे अंदर कितना दिमाग है। तुम्हारे पास इतना ही दिमाग है तो कभी कभार यूज भी कर लिया करो उसे। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मेरा दिमाग अभी ठिकाने पे नहीं है, चले जाओ यहाँ से। अरे हाँ तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे कैसे रहेगा, तुम्हारा दिमाग तो घुटनों में है। मजा आया ना? बिल्कुल मजा नहीं आया मुझे। मुझे तो बहुत मजा आया और बहुत हंसी भी आई। अब बेवजह बातों पे तुम्हें तो हंसी आएगी, तुम जो ठहरे पागल।
लड़की तुमने मुझे पागल कैसे बोला? मुझसे बोले जो खाना है वो खा लो।